नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में। आज की इस परिचर्चा की हम शुरुआत करते हैं आज की सैटेलाइट पिक्चर से। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो उत्तर पश्चिम भारत है, मुख्य रूप से हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, वहां के अनेक क्षेत्रों पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं बादल छाए हुए हैं। कुछ एक स्थानों पे हल्की सी मध्यम बारिश भी कल से लगातार देखी जा रही है और उसी तरीके से राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी कल रात से लगातार हल्की बारिश देखी जा रही है। उसी तरीके से पूर्वी भारत की अगर बात करें, वहां के भी अनेक स्थानों पर बादल छाए हुए हैं। पश्चिमी भारत में भी हल्के बादल अनेक स्थानों पर हैं और कल यानी कि 24 जून को हमारा जो मानसून था वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव फेज में है, बहुत ही तेजी से ये आगे भी बढ़ रहा है जैसा कि हमने देखा। इसीलिए आज की परिचर्चा के हमारे मुख्य जो हाईलाइट हैं वो हम देखेंगे कि हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून किस तरीके से उत्तर पश्चिम भारत में आगे बढ़ा है पिछले 24 घंटे में, और उसी के साथ अगले आने वाले 5 दिनों में हमारा जो पूर्वी मध्य भारत है उसी के साथ जो उत्तर पश्चिम भारत है और पश्चिमी भारत के भी कुछ ही स्थानों में मानसून काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाला है, जिसके चलते अगले 5 दिनों में कहाँ कहाँ पे हमें भारी बारिश के देखने को मिलेगी उसको हम बात करेंगे। अगर हम दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो हमारा आज यानी कि 25 जून को, जैसा कि हम एक नीली रेखा में देख पा रहे हैं कि ये मानसून आज जो है इसने महाराष्ट्र को पूरा कवर कर लिया है, मुंबई सहित उसी के साथ गुजरात के कुछ एक और स्थानों को इसने कवर किया है, पूरा का पूरा इसने मध्य प्रदेश कवर कर लिया है, पूरा का पूरा जो है उत्तर प्रदेश इसने कवर किया है, उत्तर प्रदेश के साथ पूरा का पूरा उत्तराखंड, पूरा हिमाचल प्रदेश इसने आज कवर किया है। इसी के साथ ये जो मानसून है इसने जो है पूर्वी राजस्थान के भी कुछ एक स्थानों को कवर किया है, इसने हमारा राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी आज ये मानसून दस्तक दे चुका है, उसी के साथ पंजाब के कुछ एक और स्थानों पे और जम्मू कश्मीर के भी कुछ एक और स्थानों पे ये मानसून आज पहुंच चुका है, जैसा कि हम नीली कलर की रेखा में देख पा रहे हैं। और ये मानसून पिछले 24 घंटों में बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहा है, अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर ये मानसून हमारा बचे हुए गुजरात के सभी स्थानों में, राजस्थान के बचे हुए स्थानों में, हरियाणा, पंजाब और जम्मू डिवीजन के बचे हुए स्थानों में भी पहुंचने वाला है अगले 48 घंटों में। जैसा कि हमने देखा ये मानसून पिछले 24 घंटों में काफी ज्यादा एक्टिव रहा है, मुख्य रूप से हमारा मध्य भारत में, पूर्वी भारत में, उत्तर पश्चिम भारत के अनेक स्थानों पे हमें हल्की से मध्यम वर्षा लगातार देखने को मिलती रही है। और वहीं पे जो अगर भारी से अत्यधिक भारी बारिश की हम बात करें तो हमारा पूर्वी भारत के मुख्य रूप से उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य भारत के मध्य प्रदेश में, विदर्भ में, पश्चिमी भारत में, महाराष्ट्र में, उत्तर पश्चिम भारत में हमारा जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सहित पूर्वी राजस्थान और पश्चिम भारत में गुजरात में भी भारी से अत्यधिक भारी वर्षा कल हमें कुछ ही स्थानों पर देखने को मिली है। और वहीं पे जो लाल कलर के सिंबल्स हैं ये हमें ये दर्शाता है कि जहां पे हमें बारिश 20 सेंटीमीटर से अधिक देखने को मिली है, कि जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमें उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में और हमारा महाराष्ट्र के जो तटीय क्षेत्र है वहां पे एकाध स्थानों पर हमें 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश देखने को मिली है और जो बाकी हमारे बचे हुए हिस्से हैं वहां पे हमें सिर्फ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली है। अगर हम आज के मुख्य सिनॉप्टिक फीचर्स की बात करें, जैसा कि हमने देखा हमारा मानसून बहुत ही ज्यादा एक्टिव फेज में चल रहा है, तो हमारा एक जो उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी है वहां पे आज सुबह एक कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है और एक ट्रफ रेखा है जो पंजाब से लेकर के इस कम दबाव के क्षेत्र तक आ रही है और ये ट्रफ रेखा हमारा मुख्य रूप से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, उसी के साथ हमारा छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा से होते हुए गुजर रही है, जिसके चलते जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पूर्वी भारत के अनेक स्थानों पे हल्के से मध्यम वर्षा हमें देखने को मिल रही है। वहीं पे उत्तर पश्चिम भारत में भी हमारा मुख्य रूप से हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा देखी जा सकती है। वहीं पे हमारा अरब सागर में एक ऑफशोर ट्रफ बना हुआ है जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के तट के पास में है और वहीं पे गुजरात के तट के पास एक सर्कुलेशन और भी बना हुआ है जिसके चलते गुजरात में भी हल्के बादल देखे जा सकते हैं। अगर हम इन सभी अगर मुख्य रूप से हम ये कम दबाव के क्षेत्र की बात करें तो ये कम दबाव का क्षेत्र अगले 2 दिनों में
उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और ये कम दबाव का क्षेत्र हमारा उड़ीसा से होते हुए झारखंड से होते हुए और आगे देखा जाएगा, जिसके चलते हमारा जो ये बारिश की बेल्ट है ये कम दबाव के क्षेत्र के साथ ही आगे शिफ्ट होने वाली है। अगर हम अगले 5 दिनों के भारी बारिश की बात करें तो आज यानी कि 25 जून को भारी से अत्यधिक भारी वर्षा हमें उड़ीसा के कुछ एक क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ में, पूर्वी मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकती है, जिसको हमने ऑरेंज कलर से दर्शाया है। वहीं पे उत्तर पश्चिम भारत में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारी से अत्यधिक भारी वर्षा हमें देखने को मिलेगी। कोंकण में यानी कि महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में भी भारी से अत्यधिक भारी वर्षा हमें देखने को मिलेगी। हमारा जो पूर्वी भारत है, मध्य भारत है, उत्तर पश्चिम भारत के जो बचे हुए स्थान है जिनको कि हमने पीले कलर से दर्शाया है, वहां पे हमें हल्की से मध्यम वर्षा लगातार चलती रहेगी। एकाध स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। आज यानी कि 25 जून को उड़ीसा के एकाध स्थानों पर हमें 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश भी देखने को मिल सकती है। जैसा कि हमने देखा कि ये कम दबाव का क्षेत्र अभी जो उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में है, ये उड़ीसा से होते हुए, झारखंड से होते हुए, छत्तीसगढ़ से होते हुए और आगे की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे ये कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ेगा, हमारा जो रेनफॉल का बेल्ट है, जैसा कि हमने देखा कि 25 तारीख को हमने ऑरेंज कलर का वार्निंग पूर्वी भारत में दिया है, 26 तारीख को आते आते ये भारी से अत्यधिक भारी वर्षा पूर्वी भारत के साथ साथ जो मध्य भारत का कुछ एक और स्थान है वहां पे हमें देखने को मिलेगी, जिसके चलते वहां पे भी हमने ऑरेंज कलर का वार्निंग दिया है। 27 जून आते आते ये कम दबाव का क्षेत्र और आगे की तरफ बढ़ेगा, मध्य प्रदेश की तरफ पहुंचेगा, जिसके चलते पूर्वी भारत में जो है बारिश में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी, जबकि जो हमारा मध्य भारत है उससे लगा हुआ जो पश्चिम भारत है वहां पे बारिश की गतिविधियों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं पे 28 जून को आते आते पूर्वी भारत में बारिश में और ज्यादा कमी हो जाएगी, उसी के साथ मध्य भारत में भी बारिश में कमी आनी चालू हो जाएगी 28 जून से, जबकि जो हमारा पश्चिमी मध्य प्रदेश है, गुजरात का कुछ एक क्षेत्र है, पूर्वी राजस्थान है, महाराष्ट्र है, जैसा कि इस ऑरेंज कलर में हम देख सकते हैं, वहां पे हमारा बारिश की बेल्ट पूरी की पूरी शिफ्ट हो चुकी होगी और इन सभी क्षेत्रों में अत्यधिक भारी बारिश हमें देखने को मिलेगी। 29 जून को आते आते पूर्वी भारत में या मध्य भारत में या उससे लगा हुआ जो दक्षिणी प्रायद्वीप है वहां पे सिर्फ हमें एकाध स्थान पे हल्की बारिश देखने को मिलेगी। मुख्य रूप से जो है हमारा बारिश जो है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा हमें देखने को मिलेगी, जिसके चलते ऑरेंज कलर का वार्निंग हमने दिया हुआ है। लेकिन वहीं पे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हमें आज 25 जून को, 26 जून को 2 दिन भारी से अत्यधिक भारी वर्षा एक आध स्थान पर देखने को मिलेगी। 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश में बारिश में कमी आएगी 27 और 28 जून को। 29 तारीख से एक बार फिर से हमें वहां पे भारी बारिश का दौर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, जबकि जो हमारा उत्तराखंड है और जो हमारा उत्तराखंड में मुख्य रूप से अगले 5ों ही दिन भारी बारिश एक आध स्थानों पर चलती रहेगी। पश्चिमी भारत को अगर हम देखें तो हमारा मुख्य रूप से जो महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र है वहां पे अगले 5ों ही दिन भारी से अत्यधिक भारी बारिश हमें देखने को मिलती रहेगी। अगर हम दक्षिणी प्रायद्वीप की बात करें, जैसा कि हम मैप्स में भी देख सकते हैं, अगले आने वाले 5ों दिनों में वहां पे कोई भी विशेष वेदर होने की संभावना नहीं है। सिर्फ केरल में और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में 2-3 दिन एकाध स्थान पे भारी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। उत्तर पूर्वी राज्यों की अगर बात करें तो वहां पे भी अगले 3 से 4 दिन मुख्य रूप से हमारा आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में एकाध स्थान पे भारी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। जैसा कि हमने देखा कि हमारा मुख्य रूप से जो वेदर है वो जो हमारा कम दबाव का क्षेत्र है उसी के साथ साथ ये वेदर की बेल्ट जो है वो पूरब से लेकर के पश्चिम की तरफ शिफ्ट करेगी, इसीलिए हमारा जो ऑरेंज कलर का वार्निंग है ये भी हमने अगले 2 दिनों के लिए पूर्वी भारत के लिए दी है, 26 से लेकर के 27 तारीख के लिए हमने मध्य भारत के लिए दी है और वहीं पे 28 से लेकर के 29 तारीख को हमारा मुख्य रूप से पश्चिमी भारत के लिए वार्निंग हमने दी हुई है।